फ्राइडे को जो वैकेंसी उसी का इजलास हुआ था, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने एच सी ओ सी के जो सी एस साहब और तमाम उसकी सी एम और सीजन हुआ था उसमें सैटरडे से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो सकता है। उसमें खास खास चीज़ें आप लोगों को सबको पता है, इंडोर आउटडोर शादियों पे बैन लग गया है, इंडोर आउटडोर डाइनिंग पे बैन लग गया है। उसके अलावा शाम 6 बजे तक कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 तक खुले होंगे। हफ्ते में 2 रोज़ जिसमें जुमा और इतवार है वो कम्प्लीट लॉकडाउन हो गए। तो इसमें हमने इंश्योर किया है कि कल शाम से जब फर्स्ट डे था उसमें हमने शाम को 6 बजे तक तमाम मार्केट्स लेस एसेंशियल आइटम जिसमें आपके मेडिकल की है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ऑफिशल की और पब्लिक भी सिमिलरली उनको भी उसी तरह से अन्य लेस इनके एमरजेंसी नहीं है तो उसके अलावा अभी उनको दफ्तरों में आना भी मना किया गया। तो आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है खासकर और पब्लिक से इंश्योर करोज की कि ये अभी राइट टाइम है जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अभी हम अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे तो हम सब के फ़ायदे में। अगर ये चीज़ एक हाथ से निकल जाएगी या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी अलार्मिंग जिसमें एहतियात आज अगर हम नहीं करेंगे तो वो कल को ऐसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं जिसमें हमें मुश्किल पेश आएगी। तो हम नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। आपके मुशर्रफ फिरोज की पब्लिक से खासकर मेरी दरख्वास्त है कि जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की आई हैं उसको उस तरह से लें कि वो गवर्नमेंट उनके फ़ायदे के लिए सोच रही ना कि नुकसान के लिए सोच। ज़रूर मजदूर तबका और जो गरीबी आवाम है उसको इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसको भी मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है कि 7 दिन बंद अभी नहीं कर रहे।